Hi friends, welcome to my channel. If you are new to this channel, don't forget to subscribe my channel. So without wasting any time, let's get started. Things you need, I already mentioned. तो अब हम start करते हैं आज की video. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया था एक cardboard. अगर आप भी ऐसे स्कूल प्रोजेक्ट मॉडल बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग भी ऐसे प्लीज़ जो कार्डबोर्ड्स होते हैं वो सेव करके रखा करिए, इसको फेंका मत करिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं. और उसके बाद हम लेंगे ये शीट्स. तो शीट्स भी आप लेफ्ट ओवर शीट्स ले सकते हैं, बिकॉज बची हुई शीट्स होती है वो ज़्यादातर कूड़ेदान में जाती हैं और इसी कारण हम न्यू शीट्स लेते हैं और जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ट्रीज की कटिंग होती है. पुरानी शीट्स भी क्यों फेंकनी यार, जब वो भी तो काम आ रही है और ये भी तो काम आ रही है, दोनों तो सेम ही चीज़ें हैं ना, तो क्यों ना हम पुरानी चीज़ों से कुछ नया बनाएं. तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से समझा देती हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट बनाया था. तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड लिया था जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था. उसके बाद मैंने ग्रीन कलर की शीट्स लग ली थी और उसको मैंने सारे बेस के ऊपर लगा लिया था. उसके बाद मैंने रोड बनाई थी. रोड को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की शीट ले ली थी और ब्लैक कलर की शीट लेने के बाद उसके बॉर्डर पे मैंने येलो कलर की स्ट्रिप्स पेस्ट कर दी थी और उसके बाद मैंने साथ ही साथ बना ली थी फैक्ट्री. और फैक्ट्री के लिए यहाँ पे मैंने पियर्स सोप का एक डब्बा लिया था. उसको मैंने व्हाइट कलर के कार्ट्रिज शीट से कवर करने के बाद उसके बाद ऊपर की साइड मैंने फॉर्म शीट की स्ट्रिप कट करके लगा दी थी और स्ट्रिप कट करने के बाद इसकी मैंने विंडोज़ बना ली थी और जो भी इसको आउटलाइन करना था, हाईलाइट करना था, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया था. एंड आज इतने दिनों के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि वॉइस ओवर करते हुए भी प्रॉब्लम आ रही है. बीच में मैंने वॉइस ओवर थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दी थी क्योंकि सम पीपल स्टार्ट जजिंग ओवर द वर्ड्स कि आपने ये वाला वर्ड ऐसे बोला ऐसे बोला. इट्स ओके यार, आप लोगों को समझ आ जाता है ना. तो चिल करो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो वीडियोज को. वाई सम गाइज स्टार्टेड डीमोटिवेटिंग अदर पर्सन. और फिर मैंने भी सोचा किसी के कारण मैं क्यों डीमोटिवेट हो रही हूँ, मैं तो वॉइस ओवर करूँगी ही करूँगी. वॉइस ओवर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाती हूँ एज़ कम्पेयर टू जो ट्यून्स वाली वीडियो होती है उससे. चलो एनीवेज लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो. एंड इस स्टेप के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दी थी दो छोटी छोटी सी चिमनीज वाइट कलर की और साइड पे भी मैंने पेंट करके रख दी थी ऑरेंज कलर की चिमनीज जो मैंने साइड पे लगानी थी. और उसके बाद मैंने एक गार्बेज बना लिया था क्योंकि ये एयर पोल्यूशन है और हमें गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए. तो ये छोटा सा मैसेज मैंने इस मॉडल के थ्रू प्रोवाइड करना था. उस चीज़ के लिए यहाँ पे मैंने लिया था एक पॉलिथीन बैग, उसके अंदर मैंने कॉटन फिल करी थी और कॉटन फिल करने के बाद उसको मैंने ऊपर अच्छे से टाई कर लिया था. और टाई करने के बाद इसको मैंने इसके आगे फॉर्म शीट्स लगाई थी जिसको मैंने एज अ फायर रिप्रेजेंट किया था. और यहाँ पे बन चुकी है मेरा गार्बेज और इसके बाद मैं एंड में लगाऊंगी इसके ऊपर हेडिंग्स. और इतना पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लगा लेंगे साइड की चिमनीज और साइड की चिमनीज अच्छे से कंप्लीट ड्राई हो जाएंगी. तो उसके बाद हम ब्लैक कलर का मार्कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर तीन लाइंस खींच लेंगे. ये एक चिमनी के वे से दिखना लग जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था जब मैंने इसको मॉडल के ऊपर लगाया था. अब आप भी देखना है कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था और कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगने लग गया था मॉडल इसके बाद. जब हम दोनों चिमनीज को लगा देंगे ना तो दोनों चिमनीज को लगाने के बाद ऊपर हम लेंगे फाइबर. कॉटन नहीं लेनी है, फाइबर लेनी है क्योंकि जो फाइबर होती है वो थोड़ी सी फॉग की तरह ही लगती है, थोड़ी सी वो स्मोक की तरह ही लगती है. तो इसको हम ऊपर की तरफ लगा देंगे अपने मॉडल के सारी चिमनीज के ऊपर लगा देंगे. और जो गार्बेज है ना, जो गार्बेज वाला एरिया बनाया हमने, उसके भी आगे वाली साइड पर हम सारी एक कॉटन लगा देंगे, फाइबर लगा देंगे सो दैट कि ये फायर को रिप्रेजेंट कर सके. उसके बाद हम लगा देंगे कार क्योंकि कार से भी होती है एयर पोल्यूशन. तो प्लीज़ गाइस जब भी कार यूज़ करते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करो, अलग अलग कारों में जाने की क्या ज़रूरत है, एक ही कारों में जाओ और एयर पोल्यूशन को बचाओ. उसके बाद आता है डीफॉरेस्ट्रेशन. उसके बाद हम मेंशन कर देंगे सारे लेबल्स, फॉर एग्जांपल चिमनी, फैक्ट्री, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड क्रैकर्स एंड व्हीकल्स, डीफॉरेस्टेशन और जो मेन जो हेडिंग है एयर पोल्यूशन वो भी हम मेंशन कर देंगे. और हमारा मॉडल बनके हो चुका है रेडी. तो इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.